हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। अब देखिए, ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of मार्च टू 10th of मार्च। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ मार्च। नेक्स्ट 10 डेज के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज बताइए। 1st मार्च टू 10th of मार्च लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 1st 10 डेज ऑफ मार्च लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। नेक्स्ट 10 डेज लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ओके। अब सैजिटेरियस देखिए, हमारे पास है 4 of Cups, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 5 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपकी एनर्जी है। एंड हमारे पास है द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देखिए, हमारे पास 4 of Cups है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग अपने मैरिज या रिलेशनशिप या रिश्ते, जिसमें भी जो भी आपकी सिचुएशन है, आई थिंक आप ना काफी डे ड्रीम कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, प्लस सुस्ती दिख रही है। कोई चीज आपको करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, कहते हैं ना, कुछ बेटर करने के लिए या ग्रो करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई चीज करनी चाहिए, बट आप कर नहीं रहे हैं। थोड़ी लिथार्जी दिख रही है, सुस्ती दिख रही है, प्रोएक्टिव नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा मोनोटोनस रूटीन हुआ हुआ है आपके एंड आपके पार्टनर का, एंड थोड़ी बोरियत आ रही है, जिस वजह से आप थोड़ा सा डे ड्रीम भी कर रहे हैं, वो चीज थोड़ी दिख रही है, बट सुस्ती बहुत है। तो वो थोड़ा सा एक एक्टिव होके कहीं पे पार्टिसिपेट करना, कहीं बाहर जाना, कुछ बातें करना, वो वाली थोड़ी चीज मुझे नहीं दिख रही है। दिमाग में ही है, थोड़ा सपनों की दुनिया में, रियलिटी में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं आप और आपके पार्टनर। 5 of Wands आपकी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। आप में से कई लोग इस मैसेज से रेजोनेट कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग। आप में से कई लोगों को ये मैसेज रेजोनेट कर सकता है, तो देखिएगा कौन सी चीज फिट हो रही है। जबरदस्ती कोई चीज अपनी लाइफ में फिट मत करिएगा, बट थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, राइवलरी, वैसी वाली वाइब आ रही है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर आपस में झगड़ रहे हो, कोई बहस या डिसएग्रीमेंट हो रही हो, या फिर आपके पार्टनर अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से लड़ रहे हो आपके लिए, ताकि आपके अगेंस्ट कोई कुछ ना बोले, या फिर कम्पीट कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो जो आप में इंटरेस्टेड हो, एंड उन ऑप्शंस से अननोइंगली वो कम्पीट करने लग जाएं, कंपटीशन में एंटर करने कर जाएं कि आपकी तरफ कौन आगे बढ़ेगा। वैसी वाइब भी हो सकती है, थोड़ा सा रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, ये आप भी इनके लिए लड़ सकते हैं या कम्पीट कर सकते हैं, या अपनी फैमिली से इनके लिए लड़ रहे हैं, रोल रिवर्सल भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बट थोड़ी सी बहस, लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, राइवलरी अपने पार्टनर को लेकर मुझे दिख रही है, उनकी तरफ से आपके लिए या आपकी तरफ से उनके लिए। वो एनर्जी देखिएगा अगर रेजोनेट हो पा रही है तो। द वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान, जो भी आपका पार्टनर है, जो आपके लिए लड़ रहे हैं दुनिया से, अपनी फैमिली से, आई थिंक उनके लिए ना आप पे ही दुनिया आके खत्म होती है। आप उनकी दुनिया है, आप हो तो सब है। लाइक एक कंप्लीट फीलिंग होती है ना किसी इंसान के होने से, वैसी वाली मुझे चीज लग रही है। एक कंप्लीशन वाली एनर्जी फील होती है इस इंसान को जब वो आपके साथ होते हैं। तो कंप्लीशन दिख रहा है मुझे, फुलफिलमेंट बहुत है, ये बहुत ही फुलफिल फील करते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, आप हो तो सब ठीक है, आप हो तो जहान मिल गया, वैसी वाली थोड़ी वाइब दिख रही है। इस इंसान को आपके होने से सब कुछ अच्छा फील होता है, फुलफिल फील होता है, सेलिब्रेशन दिख रही है आपका रिश्ते का, कुछ एक साइकिल कंप्लीट होती दिख रही है। कोई एनिवर्सरी है, कोई चीज साथ में स्टार्ट करी थी वो खत्म हो रही है, एक साइकिल कंप्लीशन दिख रहा है मुझे, साइकिल कंप्लीट होती दिख रही है, सेलिब्रेशन है उस वजह से, सक्सेसफुल रिश्ता दिख रहा है मुझे। और सो मुझे लग रहा है रेकग्निशन मिल रहा है आपके रिश्ते को, या तो शादी कर रहे हैं आप लोग साथ में, तो सोसाइटी के सामने रेकग्नाइज कर रहे हैं आप अपने रिश्ते को, अनाउंस कर रहे हैं, या फिर कुछ सर्टिफिकेशन हो रहा है शायद आपकी शादी का, कुछ रेकग्निशन मिल रहा है आपके रिश्ते को, दुनिया के सामने एक रेकग्नाइज किया जा रहा है आपका रिश्ता, वैसी चीज दिख रही है। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है,
क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। एरीज की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। फॉरगिव, एरीज चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो एंड वापस से चीज स्क्रैच से उनके साथ रिश्ता स्टार्ट करो, उनको अपनी लाइफ में वापस ले लो। फॉरगिव करना या नहीं करना है या उनको अपनी लाइफ में वापस लेना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि यूनिवर्स का मैसेज आया है तो ये चीज करनी ही है, बट एरीज आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, मांगेंगे आगे जाके। टॉरस की क्या इंटेंशन, क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। टॉरस आपकी जिंदगी का पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, वो प्यार करते हैं आपसे, बट उनको लगता है कि आप मूव ऑन नहीं करे हो अभी तक अपने पुराने पार्टनर से। आप एक कहते ना, उसी चीज में फंसे हुए हो, पुराने रिलेशनशिप में फंसे हुए हो। अगर वो आपकी लाइफ में एंटर कर भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक उनको जगह मिलेगी, तो आपको जगह क्रिएट करने की जरूरत है। पुराने कॉन्वर्सेशंस, फोटोज, लेटर्स, पिक्चर्स सारे फेंक दीजिए, जगह क्रिएट करिए। जेमिनाई की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। लॉन्ग डिस्टेंस है आपका और जेमिनाई का शायद, या हो सकता है आगे जाके वो शिफ्ट हो जाए या आप कहीं शिफ्ट हो जाओ, बट डिस्टेंस आप दोनों के रिश्ते को कुछ भी कहते हैं ना, किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। आपका प्यार उनके लिए या उनका प्यार आपके लिए कम नहीं होगा, चाहे कितनी ही दूरियां आ जाए, कितना ही डिस्टेंस आ जाए। कैंसर की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। समटाइम्स द गुड इज हिडन। हो सकता है सैजिटेरियस कैंसर ने कोई चीज आपसे छुपा के रखी हो एंड आपको लग रहा हो कि अच्छा झूठ बोल रहा है ये इंसान, इसने कोई चीज बताई नहीं है, छुपा रहा है, बट आई थिंक वो चीज अभी छुपी रहे तो बेहतर है। सही टाइम पे पता लगेगी तो ज्यादा अच्छी हो चीज होगी, बट समटाइम्स द गुड इज हिडन। कोई चीज छुपी हुई है ना, अच्छा है वो छुपी रहे। लियो की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी। लियो जो है आई थिंक आपको एक परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, उनको पता है कि एक रिश्ता आगे निभाने के लिए या एक इंसान में एक अच्छा कंपेनियन बनने के लिए जो खूबियां चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए वो आप में है, ठीक है। तो एंड ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, आप में वो ऑलरेडी है, लाइक इनबिल्ट है, बाय बर्थ है। वर्गो की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस, फीलिंग्स एनर्जीज टुवर्ड्स सैजिटेरियस। हब्बा हब्बा, सोलफुल कनेक्शन। वर्गो एंड आप एक दूसरे से सोल टू सोल कनेक्टेड है। बहुत कम रिश्ते होते हैं जो फिजिकल रेल में बाद में मिलते हैं, उनके सोल्स पहले कनेक्ट हो जाते हैं। तो वर्गो एंड सैजिटेरियस आपका सोल टू सोल कनेक्शन है एक दूसरे से। लीब्रा की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। लीब्रा आपको शायद इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एफर्ट्स डाल रहे थे, बट इट वॉज नॉट वर्किंग आउट, काम नहीं कर रहे थे वो एफर्ट्स या इम्प्रेस करने की टेक्निक्स, बट कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं इस बारी वो, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा हो, बोरिंग हो रहा हो, स्पार्क की कमी हो, तो कुछ हो सकता है डिफरेंट करने की कोशिश करें ये रिवाइव करने के लिए वो स्पार्क। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स सैजिटेरियस, फीलिंग्स एनर्जीज वाइब्स टुवर्ड्स सैजिटेरियस। योर ट्रेजर इज एट हैंड। स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस आप एक दोनों के आसपास हैं, आप दोनों एक दूसरे के आसपास हैं। थोड़ा सा नजर उठा के देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कोई फ्रेंड हो, कोई जान पहचान वाला इंसान हो जिसको आप लवर या कंपेनियन की नजर से ना देखते हो, बट ये इंसान एक उस तरीके का खजाना हो जो आप ढूंढ रहे हो, कंपेनियन या रिलेशनशिप या मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से। सैजिटेरियस की क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड। अगर आप किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, ये हैरान हो सकते हैं आप, प्रिपेयर रहिए, पहले से तैयार रहिए, कुछ थोड़ा सा हटके करने वाले हैं ये, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। केप्रिकॉन की क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। काफी ऑप्शंस है केप्रिकॉन के पास, बट उनको लगता है कि आप सबसे मीनिंगफुल ऑप्शन है, तो हो सकता है वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो, आप में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपके साथ उनको ज्यादा कंपैटिबिलिटी फील होती है।
एक्वेरियस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स सैजिटेरियस? फीलिंग्स, एनर्जीज, वाइब्स टुवर्ड्स सैजिटेरियस. थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी. फिजिकल इंटीमेसी, हुकअप, फ्लिंग, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे. परमानेंट चीज नहीं है, बट तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. स्पाइसेस की क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, फीलिंग्स, वाइब्स टुवर्ड्स सैजिटेरियस? यू विल बी सरप्राइज. स्पाइसेस कुछ ऐसा कर सकते हैं आपके लिए जिससे आप थोड़े से हैरान, परेशान, परेशान तो नहीं बट थोड़ा सरप्राइज फील करेंगे. कहीं पे ले जा सकते हैं, कोई सरप्राइज दे सकते हैं, आ सकते हैं कहीं से ट्रेवल करके आपको सरप्राइज देने के लिए, या आपको कहीं पे कोई ट्रिप बुक कर सकते हैं, वैसी कोई चीज हो सकती है, बट सरप्राइज मिलने वाला है आपको. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.